आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में आप अपनी लाइफ में अपने साथ के लोगों से पिछड़ गए हैं, आपकी कुछ सालों में वो ग्रोथ नहीं हुई है जो आपको चाहिए थी, या आपको वो सक्सेस नहीं मिली है जो आपको चाहिए थी? रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई गलत रिलेशनशिप भी हो सकती है, कोई मैरिज भी हो सकती है, कोई ब्रेकअप भी हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। किसी भी वजह से अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी वो ग्रोथ नहीं हुई है और आप अपनी जिंदगी में कुछ साल पीछे रह गए हैं, या आपके हम उम्र लोग आपसे बहुत आगे निकल गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको सिर्फ अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। एक लंबी सांस लीजिए और सही सोचना स्टार्ट करिए। क्रिकेट में एक बॉलर जब बॉलिंग करता है तो वो थोड़ा पीछे जाकर वहां से भाग कर आता है, तब उसकी बॉल ज्यादा तेज स्पीड में ज्यादा दूर तक जाती है। क्या होता अगर बॉलर अपनी लाइन पर खड़े होकर ही बॉल फेंकता? क्या उसकी बॉल इतनी तेज स्पीड से आगे तक जाती? नहीं, मतलब उसको ज्यादा तेज स्पीड से बॉल फेंकने के लिए पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। इसी तरह जंप करने के लिए एक जंपर को थोड़ा पीछे जाकर वहां से भागकर आना होता है, तब जाकर वो ऊंची जंप लगा पाता है। अगर वो अपनी जगह खड़े होकर ही जंप लगाए तो वो उतना ऊंचा जंप नहीं कर पाएगा। आप खुद अपनी जगह अभी खड़े होकर चेक कर सकते हैं कि आप कितना ऊंचा जंप कर सकते हैं, और जब आप थोड़ा पीछे जाकर वहां से भागकर आएंगे तो आप ज्यादा ऊंचा जंप कर सकते हैं। इसी तरह जब किसी जमीन पर कंस्ट्रक्शन होता है तो सबसे पहले खुदाई होती है उसके फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए। अगर वहां पर खुदाई नहीं होगी तो बेस मजबूत नहीं हो पाएगा और एक ऊंची इमारत नहीं बन पाएगी। मतलब एक लंबी ऊंची इमारत, एक खूबसूरत इमारत बनाने के लिए सबसे पहले जमीन में गड्ढा करना होता है। हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि थोड़ा सा पीछे जाना होता है वहां पर भी, तभी एक मजबूत फाउंडेशन बन पाता है। मतलब ये है कि अगर किसी वजह से आपको लग रहा है कि आप जिंदगी में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं तो कोई बात नहीं, चलना मत छोड़िए। एक कछुआ भी धीरे धीरे चलकर आखिर एक दिन रेस जीत ही जाता है। बैम्बू के प्लांट की कहानी आप सबने सुनी होगी। 5 साल तक बैम्बू के पेड़ में कुछ भी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन नीचे ही नीचे, अंदर ही अंदर उसका फाउंडेशन मजबूत हो रहा होता है। और 5 साल के बाद जब वो ग्रो करना स्टार्ट करता है तो वो सिर्फ 1 से 2 महीने में 90 फीट तक, 100 फीट तक लंबा हो जाता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी वजह से आप दूसरों से थोड़ा पीछे रह गए हैं, थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ रुक सी गई है कुछ सालों के लिए, कोई बात नहीं। आप अपना नजरिया बदलकर इस सिचुएशन को गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। अपनी सोच को एक नई दिशा दीजिए और खुले विचारों वाले बन जाइए, ब्रॉड माइंडेड बन जाइए, क्योंकि जब आप अच्छा सोचेंगे तभी आपको खुला आसमान नजर आएगा। अपने पंखों को फैलाकर ऊंची उड़ान भरिए, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेगी, क्योंकि नैरो थिंकिंग सारे रास्ते बंद कर देती है और ओपन माइंड होते ही बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। क्योंकि जिंदगी में जितना पीछे आप रह गए हैं उतना ही आप ज्यादा ऊंची उड़ान भर सकते हैं। अपने इस फेलियर को सक्सेस में बदलने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपकी फाउंडेशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो गई है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, क्योंकि जब आप एफर्ट्स करेंगे तो जो सक्सेस होगी वो आपकी अपनी होगी, आपकी खुशी आपकी अपनी होगी। एक नए अलग ही आयाम पर आपकी खुशी पहुंच जाएगी। पास्ट को पीछे छोड़कर एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जिंदगी आपकी है, खुश रहना आपका बर्थ राइट है, आपका अधिकार है खुश रहना। तो खुश रहिए, अच्छा सोचिए और एक नई शुरुआत करिए एक अच्छे फ्यूचर के लिए। क्योंकि सफलता तो निश्चित ही है, जब आप एफर्ट्स करेंगे, सही डायरेक्शन में जाएंगे तो सफलता आपको 100% मिलेगी। सही सोच के साथ आगे बढ़िए।